तो गाइस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। सो फाइनली मेरा फर्स्ट सर्विस का लिए आया हूँ मैं रॉयल एनफील्ड में। और फर्स्ट सर्विस जैसी होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी मेरा 500 के ऊपर था तभी मैंने फर्स्ट सर्विस करवा लिया था। तो एक हफ्ते के बाद में फिर से मुझे आना पड़ा क्योंकि इंजन में उसका कुछ आवाज़ आ रहा है। तो विल चेक, अभी मैंने दिया है गाड़ी, अभी भी शोरूम के पीछे ही हूँ, सर्विस दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर हूँ। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं जरा क्या है क्या नहीं है गाड़ी का। तो विल चेक और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा सर्विस में क्या क्या चीज़ें मिली मुझे, क्या 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 चीज़ें होगा वो, और एग्जैक्ट अमाउंट कितना लगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो फिलहाल देखते हैं गाड़ी के आगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, चलिए आगे। अपने गाड़ी का काम चालू हो गया, आप देख सकते हो भाई साहब लगे पड़े, जो इंजन में आवाज़ आ रहा था उसका है। तो अभी बाइक बन गए, अदरवाइज़ दिखाता आपको, मेरा कुछ 600-650 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी को मैं। ये एक बार सर्विस हो चुका है 500 पे, अभी इसमें आवाज़ आ रहा था करके मैं आया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई साहब चेंज करें कुछ तो होगा, तो कुछ भी इशू रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। सो भाई ये प्रॉब्लम है जो सेटअप कर रहे हैं। फाइनली मेरा बाइक जो बाइक है वो सर्विस हो चुका है, जो ऑलरेडी मैंने 500 पे सर्विस करवा लिया था उसको। अब ये एक हफ्ते बाद सडन मैंने जब ट्रायल किया तो भाई इसमें से आवाज़ आने लगा, ये इंजन में से टिक टिक करके, जैसे स्पार्क होता ना टक टक करके बोलता है, तो ऐसा कुछ होने लगा था। बट फाइनली अभी ओके हुआ है, मैंने उसका उन लोग ने कुछ इंजन के ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट को खोला और उसके अंदर एक रबड़ जैसा कुछ था, वो रबड़ लगाया उसमें, जो सभी जितने भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ ना सब में ये चीज़ें हो रही है पहले टाइम पर। उसके बाद गाड़ी का थोड़ा सा ठीक हो गया, अभी जो आवाज़ था वो बंद हो गया फाइनली। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ तो मैं आपको ना बैक कैमरा करके पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या सर्विस हुआ था, ठीक है। चलिए आप देखो गाड़ी का ये, तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने गाड़ी चला ली है, कम से कम 647 किलोमीटर चला लिया है मैंने, ठीक है। और ये सारा देखो मेरा इसमें नाम भी दिया हुआ है, तो सब चीज़ें, तो फाइनली ये चीज़ें कर दिया हम लोगों ने वर्कआउट। तो इसमें जो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ तो इसमें जो सर्विस हुआ था ना, वो सर्विस बेसिकली ऑयल चेंज हुआ था और एक ऑयल फिल्टर हुआ था। और इसमें एक जब सारी चीज़ें पर सर्विस लोग ने किया था, जो बेसिक सर्विस होती है जो फ्री होती है, वो उसमें सिर्फ इतना ही होता है, अगर कोई पार्ट्स चेंज होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई पार्ट्स चेंज होता है तो उसका अलग पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार मतलब मेरा पार्ट्स चेंज हुआ और तुम पहला सर्विस में क्यों पैसा ले रहे हो, तो पार्ट्स चेंज होगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा उसका। हाँ आपको शायद उसमें लेबर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अदर पार्ट्स हो गया, जैसे मुझे उन्होंने बताया है कि ये जब इसमें ये लोग ने चेंज किया था ना, तो वायर डाला था जो रबड़ जैसा, तो वो जब ये चेंज अगर नेक्स्ट तीसरे सर्विस में भी वो चेंज होगा, ठीक है, ये जब भी चेंज होगा ना, तो आपको फिर वो चीज़ों को पैसा देना पड़ेगा, उसमें लेबर जो चार्ज होगा वो ऐड करके देना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, तो ये सर्विस था पहला सर्विस मेरा गाड़ी का। तो ये मेरा पूरा जो पहला सर्विस का जो एक्सपीरियंस है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। तो मुझे सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, तो ये सारा बाइक का जो पूरा है पूरा साफ़ सफाई करके दिया था लोगों ने, तभी मैंने इसको टूर पे भी लेके गया हूँ। यहाँ से मैं अभी काफ़ी, आप तो देख ही सकते हो कि 647 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक, और भी मेरा टूर का है तो आपको वीडियोस आएंगे आगे भी, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। गाइस ये पूरा बाइक का सर्विस का मैंने आपको बता दिया अपडेट, मैं आपको अटैचमेंट भी करके दिखा दूंगा, जो मेरे को बिल हुआ था दोनों चीज़ों का, वो दोनों बिल मैं आपको मेरे वीडियो में आपको दिख जाएगा, या फिर उसका अमाउंट मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हो कि कितना कितना अमाउंट कटा हुआ है, ठीक है, टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ है। तो यार गाइस मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ बतानी है कि मैं जो हूँ बोईसर का जो सर्विस सेंटर है, बोईसर में एक सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे मैंने सर्विस कराया था, वहाँ का एक बंदा है सलमान करके, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा बंदा है, उसने काफ़ी हेल्प की है मेरी इस सब चीज़ों में। तो अभी भी ये जब रबड़ चेंज हुआ था ना फर्स्ट सर्विस का, तो उसमें लोग मेरे से चार्जेस मांग रहे थे, लेबर चार्ज, मैंने जो कि बोला कि यार मेरा पहला सर्विस है, और जब भी सर्विस पहला सर्विस करवाया था तो उस समय पर आवाज़ नहीं आ रहा था, एक हफ्ते के बाद ही आवाज़ आने लगा, तो इसमें मैं लेबर चार्ज क्यों दूँ यार। तो बंदे ने करवाया, उस लेबर चार्ज को माइनस करवाया एटलीस्ट, तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि चलो यार उसने वो हेल्प किया एटलीस्ट। तो यार ऐसे लोग मिलने जाए, जो रॉयल इनफील्ड के जो सर्विस में ना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं यार, तो काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़ें मुझे देख के। तो ये मेरी पूरी गाड़ी है जो आपको दिख रही होगी, कैसी लुक दिख रही है आपको देख के बताओ मुझे, कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आपको। मैं इस गाड़ी के ऊपर भी आपको ना रिव्यू बताऊंगा, गाड़ी के बारे में स्पेसिफिकेशन जो होता है ना वो चीज़ें भी बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना कर लिया ना, तो उसका एक अलग रिव्यू बनेगा, मतलब दो वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। एक तो गाड़ी के बारे में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें है, प्लस सेकंड जो होगा इसका रिव्यू होगा, सिर्फ रिव्यू, कि मतलब है क्या गाड़ी में, गाड़ी चलाने में कैसा है, गाड़ी में कितनी स्मूथनेस है,
वाइब्रेशन है कि नहीं है, बहुत सारी इसका ट्रू कहते हैं ना, उसका पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें सब बताऊँगा उसमें, ठीक है। तो ये दो वीडियो आएगा आपको नेक्स्ट टाइम पर, तो अभी ये फर्स्ट सर्विस का मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज़ रॉयल इनफील्ड का पहला सर्विस का बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीडियो अपन एंड करते हैं, और हाँ, मेरे वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बढ़ाओ। क्या होगा ना, मुझे भी मज़ा आता है जब ये आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना, तभी मुझे भी वीडियोज़ बनाने में और भी मज़ा आता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है सब चीज़ों में। तो आप लोग कीजिएगा सर्विस के लिए रिगार्डिंग में, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो आपको कुछ चाहिए रहेगा तो मैं भी आपको भी बता सकता हूँ उसमें, ठीक है। इसके बारे में रिगार्डिंग ये सब चीज़ें, तो ये पहला सर्विस था जो मेरे हिसाब से मुझे अभी तक बेस्ट लगा है, सबसे बेस्ट लगा है, सर्विस अच्छी लगी है। सो गाइस अभी वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।